हमीरपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जी हां, बच्चों के खेल से चंद मिनटों में घर में मातम पसर गया। हमीरपुर में खेल खेल में बड़े भाई ने पिस्टल से गोली चला दी। गोली 2 साल के मासूम भाई के मुंह से पार होकर सिर के पीछे निकल गई। बिवार थाने के उमरी गांव निवासी ग्राम विकास अधिकारी जयराम कुशवाहा ने बताया कि शुक्रवार दोपहर वो कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे थे। पास में उनकी लोडेड लाइसेंसी पिस्टल रखी थी। उनके दोनों बेटे पास में ही खेल रहे थे। खेल खेल में बड़े बेटे 6 साल के मयंक ने पिस्टल उठा ली और 2 साल के छोटे बेटे सिद्धार्थ उर्फ रुद्र की तरफ तान कर गोली चला दी, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं जिला अस्पताल स्टाफ के अनुसार जैसे ही उनको पता चला कि बच्चा मर चुका है, परिजनों ने बयान बदलने शुरू कर दिए और जब तक पुलिस के लिए मेमो लिखा जाता, शव वहां से गायब कर दिया। मौके पर पुलिस पहुंची तो शव नहीं मिला। जयराम ने पुलिस को इधर उधर घुमाना शुरू कर दिया। दूसरी बच्ची है गौरी, जिसकी उम्र 4 माह, छोटा बच्चा बहुआ जिसकी उम्र 2 साल थी। आज इनके पास जो लाइसेंसी पिस्टल है घर में रखी हुई थी, खेल खेल में बच्चों ने अपने पास ले ली। और जो सबसे बड़ा बच्चा था मयंक, जिसकी उम्र 6 वर्ष 3 माह है, उसके द्वारा धोखे से खेल खेल में जो लाइसेंस पिस्टल थी उसे फायर हो गया, जिसके परिणामस्वरूप जो छोटा बच्चा था उसकी गोली लग गई और उसकी अस्पताल में ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में जो लाइसेंसी पिस्टल है उसकी जब्त कर लिया गया है और मृत बच्ची का पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अन्य विधिक कार्रवाई शुरू। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पुलिस ने पिस्टल जब्त कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार इस परिवार में 4 लाइसेंसी असलहे हैं। गांव पहुंचे सीओ मोदहा विवेक कुमार ने बताया कि गोली पिस्टल से ही चली है, कैसे चली है इसकी जांच की जा रही है। हमीरपुर से अमित मिश्रा की रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।